धमाके की आवाज सुनी बोल। हाँ? इत्तेफाक देखिए बा, मैंने भी अभी अभी बहुत बड़ी धमाके की आवाज सुनी। अरे बेरवी, ये इत्तेफाक नहीं है, तूने और मैंने दोनों ने सेम धमाके की आवाज सुनी। तो बरोबर ऐसा। जागा मैं रोनी, जागा। तुमने यार धमाके का आवाज सुना? हाँ हाँ, शायद आसमान में बिजली कड़का होगा। चा मैन बिजली नहीं कड़का। इनोसेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं? मासूम। हाँ, माना के बारिश का मासूम है। नहीं मतलब मासूम नहीं, मौसम होता है। व्हाटएवर, यहाँ पे बिजली नहीं कड़का है, 100% कुछ और हुआ है। चलो मैं जाके देखते। बद्रस, ए बद्रस, बाबा उठ। हाय हाय, तूने धमाके की आवाज नहीं सुनी? वो भैरवी के खर्राटों की आवाज थी बा। तूने आज सुनी है बा? मैं तो रोज सुनता हूँ। अभी कुछ दिन पहले वो डिसोजा भी फोन करके बता रहा था कि भद्रेश भाई क्या आधी रात को चटनी पीस रहे हो, मिक्सर बंद करो। मैंने कहा ना भाई ना, वो मिक्सर की आवाज नहीं, भैरवी के खर्राटों की आवाज है। अरे क्या बाबा, भैरवी के खर्राटे की आवाज धड़म होती है। आजा आजा देख। धड़म? हाँ। तो कहीं मिसेस बख्शी ने बालकनी से छलांग तो नहीं लगा दी? हाँ, कह रही थी भद्रेश भाई तंग आ गई हूँ मोटा पैसे, तो कहीं। अबे ना ना बाबा, ये तो 3-4 हजार मिसेस बख्शी ने एक साथ छलांग लगाई हूँ, इतने बड़े धमाके की आवाज थी बोल। एम? हाँ, हल 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 देखते, हल 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 बाबा हल। ले आई हाय, बैठ क्या गया बा? चंपल पहनने पड़ेंगे है? वो भी दो दो, यही बालकनी में खड़े खड़े देख लेते ना, सेम मजा आएगा। ओए ना ना बाबा, गणपति विसर्जन नहीं देखना है कि बालकनी में खड़े होके देख ले। अरे हाल 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 ले बा। अरे वाह, क्या हाई क्लास सपना देख रहा था मैं। ए, मस्त मखमल का बिस्तर था और मैं सो रहा था मस्त। नितेश भैया, ये सीनियर सिटीजन हो करके गए तो है, लेकिन मुझे पता है क्या हुआ है। क्या हुआ है? अरे एलियंस पर स्पेसशिप गिरी है। UFO? UFO? हाँ। एलियन? हाँ। हट हट मत बोलो, एलियन से बड़ी स्पेसशिप गिरी है। धड़ाम। लीजा। आंटी भावना, आंटी भावना, धमाका सुना? हाँ, पर पता नहीं क्या हुआ, चल देखते। अच्छा अच्छा अंकल, ओजा। अरे धमाका सुनो, मारो तो पूरा घर हिल गया। अरे घर तो हमारा भी हिल गया, इसीलिए तो आए। गुड मॉर्निंग थोड़ी बोलने आए हैं। Thank you.
चुप रहे। अरे प्रभु, अरे मारी बात तो सुनो, कोई कोई नहीं सुनेगा काका। जोर से जोर से फेफड़े में चावल। एक मिनट, वहाँ रिक्रिएशन क्लब के पास भी वो वॉचमैन नहीं है। इतना बड़ा हंगामा हो गया है, कहाँ है वॉचमैन मैन? कड़क सिंह, अरे कड़क आया रोनी भाई साहब आया। अरे देखिए कुछ नहीं हुआ है मुरलीधर भाई, हम 5 किलोमीटर दूर तक पता करके आया हूँ। 5 किलोमीटर इतना फास्ट? मतलब फोन के जरिए। ये देखिए हमारा वेयरदेव ग्रुप है, वेयरदेव चौकीदार चैलेंजर। देखिए एक और मैसेज आया, देखिए। अरे वाह, सब्सक्रिप्शन कितने में पड़ा? अबे कितने में पड़ा वो छोड़ना बाबा, जल्दी मैसेज पढ़ने। लो लीजा भाभी आप पढ़ लो बस। बजेस रियली HMKAPKKAKHBR क्या है? हमका पक्का खबर है कि कहीं कोई एक्सीडेंट ना ही हुआ है। HMK हमका हमारे भोजपुरिया चैट भाषा है, थर्ड फॉर्म। अरे पर ऐसा कैसे हो सके? अरे भाई इतना बड़ा धमाका हुआ है तो या तो कोई एक्सीडेंट हुआ होगा और या तो एक मिनट या तो एक्सीडेंट हुआ होगा समझे, नहीं तो क्या मैन? क्या हमारे घर का तो पूरा वो हस्बैंड की छोटे भाई को क्या बोलते हैं? देवर। हाँ हमारे घर का तो पूरा देवर हिल गया। दीवा रोनी व्हाटएवर, चलो मैन लेट्स गो। अरे एक मिनट, मेरी बहन का फोन है इलाका। हेलो हाँ इला जय श्री कृष्णा। हाँ मैं ठीक हूँ। हाँ अबे भैरवी भी ठीक है, तेरी खबर पूछ रही है। अभी सुबह के 4:30 बजे तूने भैरवी की खबर पूछने के लिए फोन किया है? क्या पक्की खबर? सच बोल रहे हैं? आगे बोलो। हाँ ठीक है, पकोड़े वाली दाल ढोकली की रेसिपी मैं तुझे सुबह 12 बजे दे दूंगी। मेरी बहन नीला बता रही थी कि बोरीवली में उसकी कॉलोनी के पीछे जंगली इलाका है, वहां बहुत बड़ा धमाका हुआ है। बोलो। नोनो पापा माँ, यहाँ की भाषा देवनागरी हिंदी या इंग्लिश UK। हमने डाउनलोड किए है ना दिमाग में अपडेट्स के साथ, तो उन भाषाओं का प्रयोग कीजिए। और वो हमारा स्पेसशिप तो पापा, और हम यहाँ हमारे ग्रह वापस कैसे जाएंगे? 1721 माना हमारी स्पेसशिप बहुत 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 बहुत, लेकिन हम सब तो साथ में हैं। हिंदी हाँ, कभी कभी दिमाग अपने आप डिफॉल्ट भाषा पे चला जाता है। ठीक है अब सब ध्यान से सुनो। हमें इंसानों से बच के रहना होगा। कहीं इंसानों को पता चल गया कि हम कहाँ से आए हैं तो या तो इंसानों के हाथों हम, या हमारे हाथों इंसान।
मुझे लगता है लाजो बड़ा जंबो जेट गिरा होगा। जंबो जेट मतलब मीडियम साइज का प्लेन? ना भावना भाभी। बड़ा हेलीकॉप्टर? ना ना ना। अच्छा छोटा हेलीकॉप्टर, इससे कम में नहीं परवड़ेगा। रॉनी बोल ना। ए लीजा कम इन मैन। क्या आंटी भावना, इस टाइम पे आप बार्गेनिंग कर रहे हैं। जंबो जेट हेलीकॉप्टर, कढ़ाई में कटलेट टूटा तो टूटा, अभी वो आलू का टूटा या टमाटर का टूटा क्या फर्क पड़ता है मैन। बेटा लीजा का कहने का मतलब है कि एक्सीडेंट हुआ वो इम्पोर्टेंट है, अभी वो प्लेन का हुआ कि हेलीकॉप्टर का? ना ना वो मैं समझी। हाँ तो पर ये टमाटर का कटलेट किसे बनता है? गॉड, मतलब टमाटर तो पानी छोड़ता है ना, तो उसमें क्या मैदा डालते हैं, बेसन डालते हैं, क्या करते हैं पानी रोकने का? बैरवी बस बस। अरे भैरवी तू मुद्दा समझ गई ना, तो एग्जांपल में मत अटका। तो बरोबर आंटी भावना, माना के ये बोला है लेकिन ब्यूटीफुल भी तो है। और ब्रेन उसके लिए बाबला है ना, क्योंकि ब्यूटी में वो उसके पापा पर गया है, तो बैलेंस करना पड़ता है ना। चलो मैन, व्हाट्स हैपनिंग, कम ऑन। अरे रोनी, मेरी ताजमहल है, वन पीस है, वन पीस। हाँ बाबा। एक मिनट। नहीं रोनी, दो ले, तीन ले, भड़कता क्यों है? अरे भड़कूंगा नहीं तो और क्या, वहाँ किसी का सर टूट गया होगा, कोई मर गया होगा। रोनी कंट्रोल। वहाँ किसी का सर टूट गया होगा, कोई मर गया होगा। वाह, तूने तो अखबार वाली बात कर दी रोनी। अरे बाप रे। दो दिन पहले भारत समाचार में अखबार में छपी थी खबर कि दो प्लेन एक साथ खाई में गिर गए। बोल तुम। हुआ यूं था कि दोनों प्लेन ऐसे साथ में जा रहे थे, तो ये प्लेन ने ऐसे हॉर्न मारा, इसको गुस्सा आया, इसने ऐसे उसको कट मारा। आंटी तो... भावना मैन बाद में सुन लेगा। हाँ, एक मिनट है, मेरे को याद कर लेंगे। हॉर्न कट। हाँ, तो बराबर। भावना भाभी चलो वहाँ पर जाकर देखते हैं, शायद हमारी मदद की जरूरत पड़े। मैं फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आती हूँ, है ना? और लीजा मैं खाखरा चिवड़ा और सुबह में जो मोहन थाल बना है ना वो लेके आती हूँ, और तू दो बोतल पानी लेके आ। गुड आइडिया, चल। माँ नाश्ता वापस आके करते ना। अरे बेटा इजाग्रस्त लोगों के लिए बोल रही हूँ, अपने लिए नहीं है। तो बरोबर बरोबर, चल जल्दी चल चल। अरे सुनो, अरे अरे हमारी बात तो सुनो सुनो। ओ काका मुरली सब गए? हाँ पता है, मैं तो ट्राई कर रहा था, अगर कोई सुने तो। नहीं तो शशा। क्या कहा? शशा डिंडी में आश मेरे शशा हुई ना शीता जी। डिंडी? डिंडी नहीं, हिंदी। शीता जी नहीं पिताजी, शशा नहीं पापा। ये पो है हा? इसके चेहरे पे रेखा खींचो तो ये श बन जाता है। ओ, नड़ी? नहीं। मैं नड़ी समझा। भैया मजाक करना इसके व्यक्तित्व का पहलू नहीं है, तो लॉजिकली सोचे, इसके दिमाग में हिंदी देवनागरी भाषा ठीक से डाउनलोड ही नहीं हुई है। इसका दिमाग ही ठीक से डाउनलोड नहीं हुआ है। 87 स्क्वायर दूसरी जगह उछलते कैसे? -426 मैं दिखाती हूँ, देखो देखो। नहीं, ये ऐसे तो कांगारू उछलते हैं। आप लोगों को दिखाया था वीडियो कि इंसान किस तरह के कपड़े पहनते हैं, किस तरह एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। देखो नोनो पापा, ये तो उनकी डांस की प्रक्रिया होती है, चलना थोड़ा मुश्किल है पर मैं सिखाता हूँ। देखिए सब देखिए, एक पाँव ऊपर घुटने बेंड, पाँव नीचे, पाँव ऊपर घुटने बेंड, पाँव नीचे, ऐसे।
बोलने की प्रैक्टिस हम बाद में करेंगे, पहले इस मलबे को। अगर इंसानों ने परख लिया तो हम बड़ी ही मुसीबत में फंस जाएंगे। इतना आगे कहाँ? सारा मलबा उस खड्डे में। Come on everybody, let's go. हाँ, हरी अब सब लोग गाड़ी में बैठा कि नहीं? तो ये प्लेन ने हॉर्न मारा। हाँ, प्लेन प्लेन वो बाकी था ना, ये प्लेन ने ऐसे उसको कट मारा, तो ये प्लेन को बहुत गुस्सा आया, इसने ऐसा जोर से ई करके ब्रेक मारा। आंटी भावना, आंटी भावना, ये सब जाते जाते गाड़ी में सुन लेगा। सुनना? फिर हाँ। तुम लोग सुनते नहीं हो मेरी बात। एक काम करो, आप हिसाब लिखो। क्या आइडिया दिया है? पापा, मैं भी चलूं। हाल हाल? क्या हाल हाल? बच्चा लोग नहीं आ सकते? हाँ, तुम्हारा होमवर्क कितना बाकी है? धा किट था। भैरवी बाबी, 5:45 होमवर्क। तो हालो? क्या हालो? गाड़ी में वो फेमस डाकू का नाम क्या है? जग्गा। हाँ, गाड़ी में जग्गा किधर है? तो बरोबर। आले, इसने जग्गा का जग्गा कर दिया। आला। ओहो, बच्चे लोग तुम दोनों इधर ही ठहरो, और आना दीदी आपके लिए सैंडविचेस बनाएगा। आना जी बाबी, आना कब हो? आंटी आना आप लोग के लिए सैंडविचेस बनाएगा, ओके? और आना इन दोनों को दूध भी देना। ओके बाबी। वेजिटेरियन है? बा, दूध वेजिटेरियन ही होता है। तेरी किटे था। फिर भी मैं सैंडविच की बात कर रही हूँ बेटा। तो बरोबर। अच्छा जाओ, निकलो। बाय बाय। इलियन। चलो इसी तरफ आ रहे हैं, जमीन पर चलने वाले प्राचीन वाहनों में। ये काम करना, तुम उन पे नजर रखना, मैं सारा मलबा इकट्ठा करके इस गड्ढे में डाल देता हूँ। और मैं क्या करूँ? तुम कुछ मत करो, वही अच्छा है। गी, तो फिर मैं जा रहा हूँ अपने पैरों पे चल के। अलविदा अलविदा, बाय बाय। रुको, -4-6 रुको। तुम इस गड्ढे को भर के जबा। ओ, जबा। गड्ढा कहाँ गया? वो तो मैंने मर दिया। जब्बा। हाँ भैया, लॉजिक
लॉजिकली सोचा जाए -426 हमें जरूर मर पाएगा। सब ध्यान से सुनो, जब तक हमारा मकसद पूरा नहीं हो जाता तब तक हमें यही रहना होगा इसी इंसानी रूप में। सुनो, इंसानी रूप परमानेंट नहीं है। ये जो लाल द्रव्य है Formula 070, जैसे जैसे इसका असर कम होने लगेगा वैसे वैसे हमारा असली रूप बाहर आने लगेगा। इसका नियमित रूप से डोज लेना बहुत जरूरी है। फॉर्मूला खत्म हो जाएगा तब तक हमारा मकसद भी पूरा हो जाएगा 1721। हौसला रखो। हौसला हौसला हौसला। और एक बात, यहाँ गुजारा करने के लिए हमारे पास ढेर सारा हाथ का मैल है। भैया उसे पैसा कहते हैं, पैसा। उसे हाथ का मैल या फसाद की जड़ भी कहते हैं। मैंने जो वीडियो देखा था उसमें एक इंसान कह रहा था, ये तो हाथ का मैल होता है भगवान, और दूसरा इंसान कह रहा था, सारे फसाद की जड़ यही है शारदा। अच्छा, सूरज निकलने वाला है, सारे इंसान यहां पर पहुंचने वाले होंगे। अपने कान और आंख खुले रखना, सतर्क रहना। निशमा निशमा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.